आत्मविश्वास फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। आत्मविश्वास फैमिली का एक सदस्य होने के नाते आत्मविश्वास फैमिली की तरफ से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, आप अपने फैमिली का आप भी सदस्य बनिए और इस आत्मविश्वास फैमिली का सदस्य बन जाइए और हमको भी अपने फैमिली का सदस्य बनाइए, जिससे आपके हमारे विचार और एक दूसरे के तीसरे विचार बना के हम लोग अपने विचारों को इंडिया में पूरा फैला दें और इस फैमिली को बहुत बड़ा बना दें। आपके विचार, अपने विचार कमेंट बॉक्स में भेजिए दोस्तों, हम अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे, तो लोगों का भी विचार लेके हम अपने माध्यम से दूसरे के पास पहुंचाएंगे, हम अपना भी नॉलेज बढ़ाएंगे और जो मेरे पास अनुभव है उसको भी शेयर किया जाएगा दूसरे के द्वारा। यही हमारा एक मेन मिशन है, यही हमारा विजन है कि हम लोगों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे दिया जाए। यही सोच कर इस चैनल का, इस फैमिली की शुरुआत हुई है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, इस फैमिली को अपना सदस्य बनाइए और सदस्य बनिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने लोग आपके पास यार दोस्त हैं सबके पास शेयर बटन दबाइए, भेज दीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए। और दोस्तों, एक सदस्य से कोई गलती होती है तो उसको सजा नहीं दी जाती है, तो उसके जो है अच्छाई को आप ग्रहण कर लें और जो अच्छा ना हो उसको इग्नोर कर लें, आप डिलीट कर दीजिए, सेव मत कीजिए। जो मेरे अच्छे अनुभव हो उसको सेव कर देना, जो अच्छे अनुभव नहीं हो उसको डिलीट कर देना दोस्तों। ये हमारी सदस्य की यही एक है। और अपने अच्छे से अनुभव कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, मैं उसको अगले वीडियो में जरूर बनाऊंगा, ये हमारा वादा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे अगर आप खुद का अपना कोई ब्रांड बनाना चाहते हैं, ब्रांड में किस किस कागज़ की ज़रूरत होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, आज हम यहाँ पे आप लोगों के सामने अपने अनुभव शेयर करने वाले हैं दोस्तों। हमने अपना एक दवा का जो है कंपनी लॉन्च किया था दोस्तों 2012 में, और उस समय हमको नॉलेज नहीं था, लेकिन हमने नॉलेज ले लेकर के एक अपना ब्रांड बनाया। सब कुछ तो वही जानकारी आज हम आप लोगों के पास शेयर करने वाले हैं। मैं ऐसे पढ़ के कोई जानकारी नहीं शेयर कर रहा हूँ। हमने अपनी कंपनी की किस तरह से स्थापना की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे और हमने क्या क्या परेशानियों का झेलना पड़ा, वो सब मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ, जिससे वो चीज़ें आप लोगों को न दिक्कत आए ना आए। तो जैसे देव को मान लीजिए, अगर आप खुद का कोई ब्रांड लेना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, चलिए हम एग्जांपल देते हैं, मान लो आपको अपना दवा का कोई ब्रांड बनाना है, आप कोई मल्टीविटामिन सिरप या मल्टीविटामिन पाउडर या मल्टीविटामिन कैप्सूल या कोई भी चीज़ या लीवर, आयुर्वेदिक लीवर सिरप लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसको कैसे अपना ब्रांड बनाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने फैमिली में या यार दोस्तों के साथ बैठ करके एक नाम, यूनिक सा नाम शेयर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए लिप 52 है, सबके जबान पे आ जाता है, और है लिवोमाइन है, वो भी सबके जीवान पे आ जाता है, लीवर के लिए है एमिलिकोडियस कैप्सूल एमिल फार्मा का, वो भी सबके जुबान पे आ जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से ऐसा कोई नाम लीजिए, नाम को आप सिलेक्ट करिए, नाम सिलेक्ट करने के बाद लगे कि यूनिक है, सबके जबान पे बढ़िया से आ जाएगा, अब हम इसी नाम को ब्रांड करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको आईपी इंडिया या अपने घर पे अगर खर्च करना चाहते तो भी मैं बता देता हूं, नहीं तो आप किसी के सीए द्वारा आप करवा सकते हैं तो भी सर्च करके बता देंगे। पहले दोस्तों क्या होता था कि आपको पहले ट्रेडमार्क लेना पड़ता था 10 साल के लिए, 10 साल के बाद उतना पैसा फिर लगता था, तब आपका रिन्यूअल होता था, रिन्यूअल में भी तब आपको आर मिलता था, आर का मतलब रजिस्टर्ड, और टीएम मिलता था पहले, तो 10 साल के लिए आपको टीएम मिलता था, उसके बाद आपका जो है आर मिलता था, रजिस्टर्ड होता। लेकिन ये प्रोसीजर अभी 2-3 साल से खत्म हो गया है, अब आपको तुरंत सर्च करके बता देते हैं ये जो आपने यूनिक नाम लिया, ये आपको अगर खुद सर्च करना है तो आप किस वेबसाइट पे जाएंगे, आईपी इंडिया सरकार की एक वेबसाइट है दोस्तों, भारत सरकार की आईपी इंडिया, उस पर जाएंगे तो सर्च का ऑप्शन आएगा, सर्च के ऑप्शन में आप क्लास 5 के अंतर्गत मेडिसिन जो है दोस्तों क्लास 5 के अंतर्गत आती है, आप वहाँ क्लास डालेंगे और आपका नाम डालेंगे, क्या डालेंगे, नाम डालेंगे, आपने जो नाम यूनिक चॉइस कर लिया है, चलिए मान लीजिए जो भी नाम आपने ले लिया, किस पे सर्च करना है, आईपी इंडिया, आईपी इंडिया नाम से, सॉरी दोस्तों, आईपी इंडिया नाम से जो है एक वेबसाइट है, इस पर आपको सर्च करना है, आईपी इंडिया, आईपी इंडिया नाम से वेबसाइट पे दोस्तों आपको सर्च करना है,
आईपी इंडिया नाम की वेबसाइट पे जाएंगे, आप वहाँ पे सर्च करेंगे, आप क्लास ऑफ फाइव के अंतर्गत ये आता है मेडिसिन डिपार्टमेंट दोस्तों, तो उसमें आप जब सर्च करेंगे वो नाम अगर अवेलेबल होगा तो आ जाएगा। अगर किसी ने इस नाम से, जो आपने नाम चॉइस किया है, अगर किसी ने इस नाम से ऑलरेडी लिया है तो भी उसका पूरा स्टेटस आ जाएगा। आप उसकी स्टेटस पे जा कर के स्टेटस बटन दबाएंगे तो पूरा उसका डिटेल आ जाएगा, किस नाम से है, कहाँ का रहने वाला है, सब कुछ पूरी डाटा आ जाएगा। अगर इस नाम से खाली नहीं है तो वहाँ पे दिखा देगा नॉट मैच या अवेलेबल है, तो उस नाम से आप कर सकते हैं। लेकिन इसको करवाने के लिए आपको किसी सीए के पास ही जाना पड़ेगा या जो एजेंट करते होंगे उनके पास जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप गूगल की वेबसाइट गूगल पे जाएंगे दोस्तों, आप सर्च करेंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एजेंट या कंसल्टेंसी एजेंट, तो उनके डिटेल आपको वहां पे मिल जाएंगे, उनके डिटेल मिल जाएगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट करिए, उनके ऑफिस में जाइए। ऐसे इसमें बहुत फ्रॉड होता है, इसलिए आप ऐसे पैसा मत दे दीजिएगा, आप उनके यहाँ विजिट करिए। विजिट करने के बाद वो आपको नाम, जो आप नाम लिए हैं वो नाम देंगे उनको, तो सर्च करके आपको बता देंगे अवेलेबल है कि नहीं है। तो इसलिए दो तीन नाम ऐसे सर्च करके तब लेके जाइएगा, जो भी नाम होगा एक मिल जाएगा, उसके बाद वो आपसे पैसा लेंगे। ऐसा पैसे की बात की जाए दोस्तों तो 7-8 हज़ार कोई लेता है, रियलिटी फीस इसकी 5 हज़ार अंडर है, लेकिन वो अपने चार्ज भी जोड़ते हैं तमाम चीज़ें, तो आपसे 7-8 हज़ार कोई लेगा, कोई आपसे 14-15 हज़ार भी मांग लेते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं, ये नहीं है इसमें कितना है, वो आपके ऊपर डिपेंड कराता है, आप कम कराइए, कितना कम करवाते हैं, कितना ज़्यादा, तो उसे आप कम करवा करके इस हिसाब से आप अपना करवा सकते हैं रजिस्टर्ड। तब आपका जब वो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपको 2-3 महीने के अंदर आपका वो रजिस्टर्ड होके आपके मेल पे या आपके नंबर मेल पे आ जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये आपका प्रोडक्ट सेव हो गया, अब आपका ये ब्रांड जो है बन गया, ये 10 साल के लिए दोस्तों बनता है, 10 साल के बाद फिर सेम इतने पैसे ही लगते हैं फिर आपको रिन्यूअल कराने के लिए, फिर 10 साल बाद आपका रिन्यूअल हो। तो इसलिए कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करें दोस्तों, सबसे पहले अगर उसको ब्रांड बनाना है तो आप उसका नाम चॉइस करके रजिस्टर्ड करवा के तभी आगे बढ़े। तब उस नाम से रजिस्टर्ड में क्या होता है, हो सकता है आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो कल का आपने खूब पॉपुलर किया, उसको पैसा किया, आपने ब्रांड बनाया, तो कोई और उसकी डुप्लीकेटिंग नहीं कर सकता है, पूरे इंडिया में उस नाम से कोई और प्रोडक्ट नहीं बना सकता है, इसीलिए उसको हम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कराते हैं। या आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर देखते होंगे आर लिखा होता है या टीएम लिखा होता है, तो दोस्तों अब आर होके मिल जाता है 2-3 महीने। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो या कोई और इसमें आप लोगों को लगता है कि कमी है तो उसको डिलीट कर दीजिएगा, और जो अच्छाइयाँ हमारी है उसको सेव कर लीजिएगा, या आपके और इससे रिलेटेड जो भी अनुभव है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, फिर हम उस अनुभव को जोड़ के और अपने फैमिली के द्वारा अपने फैमिली में और आत्मविश्वास फैमिली में और उनको भेजा जाएगा, बताया जाएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके सबके पास भेज दीजिए, हो सकता है किसी और के काम आ जाए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। फिर एक बार आप लोगों ने जो अपना कीमती समय दिया, कीमती समय लगा के इसको देखा, अपने अनुभव शेयर किया, हमारे अनुभव को सेव एंड डिलीट किया, इसके लिए फैमिली की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।